So hello friends, welcome back to Rikky Aadeez classes with a new video and the fourth part of the figure of speech alliteration. Today we will discuss about the definition as well as examples. So first of all, alliteration is a figure of speech. It's a literary device also. It usually starts with a continued repetition of the same initials, consonant sounds in two or more neighboring words or syllables. Okay. अल्ट्रेशन क्या होता है जब हम अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या फिर फ्रेज में या फिर सेंटेंस के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसका पहला लेटर उसका साउंड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, साउंड में बार बार फोर्स कर रहा हूँ, साउंड अगर सेम निकल रहा है और इन टू और मोर वर्ड्स में, दो वर्ड के भी हो सकते हैं, जैसे आपका बाबा, ब्लैक शीप, बाबा, दो बार बा का साउंड आया बी कंसोनेंट का, तो लेटर कोई भी होगा बट उसका साउंड सेम होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर के और सी में का हो जाता है। आगे मैं अभी उसका एग्जांपल देता हूँ, तो आप इसमें मत चौंकिएगा कि आपका ये सी है तो सब में सी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट साउंड सेम होना चाहिए। इट रिफर्स टू ओनली एट द बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड, और ये बिगनिंग साउंड होना चाहिए वर्ड का, यानी पहला लेटर जो साउंड निकलेगा वो सब में सेम होना चाहिए। बीच में कोई वर्ड प्रीपोजिशन आ जाता है उससे डजेंट मैटर, प्रीपोजिशन या फिर कोई कंजक्शन कुछ भी आ सकता है, बट उसके बाद तो हमें कंसोनेंट लेटर रखना है ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ एलिट्रेटिव टंग ट्विस्टर्स भी देखेंगे आगे, क्योंकि एलिट्रेशन टंग ट्विस्टर्स भी होते हैं। तो आइए एग्जांपल्स पर नज़र डालते हैं। पहला, शी शेल बाय द शीशोर। यहाँ पे देखिए सब में यस एस का कंसोनेंट साउंड आया है, ओके। दूसरा, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसमें भी एक बहुत फेमस पोएम है ये, और सबसे ईजी आपका टंग ट्विस्टर है, तो इसमें भी देखिए आपका पी कंसोनेंट साउंड आया, टंग ट्विस्टर भी कहते हैं इसको, एलिट्रेशन से बने हुए वर्ड्स या सेंटेंस को, ठीक है। बट टू वर्ड होने चाहिए, अगर दो वर्ड का बना रहे हो तो दो ही वर्ड हो सकता है, एक का नहीं माना जाएगा। थर्ड एग्जांपल, शीप शुड शावर इन अ शेड। अब शीप में एस, शुड में एस, शावर में एस, शेड में एस, यानी कि शेड मतलब जहाँ पर शीप लोग रखी जाती है, ठीक है, और शावर वहाँ पर नहाना चाहिए बताया जा रहा है शीप लोगों को। और ये क्यूट किटी कट्स द केक इन ए कैसल, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सी और के का साउंड मैंने सेम निकाला है बट लेटर डिफरेंट है, डजेंट मैटर, मैंने पहले ही बताया लेटर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको पी एच से फा का साउंड निकलता है और एफ से निकलता है, और का में भी के और सी का भी डिफरेंस होता है, बट साउंड सेम है, तो आप यूज़ कर सकते हो अपने एलिटरेशन के टंग ट्विस्टर में। हम टंग ट्विस्टर्स यूज़ क्यों करते हैं, एलिट्रेशन जैसे एलिट्रेटिव एग्जांपल्स क्यों हम यूज़ करते हैं? मोस्ट ऑफ द राइटर्स और पोएट्स, बहुत सारे जो भी नॉवलिस्ट हैं, एसिस्ट हैं, वो अपने ही प्रोज में भी यूज़ करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा प्लीजिंग साउंड है, थोड़ा सा सुनने में साउंड बहुत प्लीजिंग होता है और जो लिसनर और रीडर का अटेंशन ग्रैब करता है, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ वो मेलोडी और रिदम को क्रिएट करता है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो, और जो हमारे लैंग्वेज को, लिटरेचर को एक फ्लेवर डालकर उसे और ब्यूटीफुल बनाती हैं। दैट्स व्हाई वी यूज़ ऑल टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने वाले लोगोज़ वगैरह, जैसे आपके डंकिन डोनट्स हैं, इसमें भी डीडी दोनों बार आया है, कोका कोला है, टिक टैक है, ब्लैकबेरी है, बहुत सारी ऐसे एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनियां हैं, ये अपने नाम में एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं, एलिट्रेटिव नेम रखते हैं, क्योंकि जानते हो क्यों, ये हमारे ज़बान पे आसानी से याद रहे, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं लोग। इसके अलावा कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं कुछ, पीटर पार्कर कौन है, स्पाइडर मैन, मिकी माउस, मिनी माउस, बॉब द बिल्डर शो आता था टीवी पर, वंडर वोमैन एवेंजर का ही एक कैरेक्टर है, आपने देखा होगा तो जान रहे होंगे आप, डोनाल्ड डक, डेजी डक, डैफी डक, ये सारे मेमोरेबल होते हैं, फन साउंडिंग थोड़ा होंगे और बहुत ही एंटरटेनमेंट होता है जो कि चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये एलिटरेशन समझ में आया एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
इसके कुछ पार्ट्स हैं लिटरेशन के, उस वीडियो को मैं बनाऊंगा एजोनेंस और कंसोनेंस के।